नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एक बार फिर सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरा फोकस कर रही है। बड़े बड़े रणनीतिकारों ने जीत की रणनीति तैयार की है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रियंका गांधी का प्रदेश दौरा चर्चाओं में है। खास बात यह रही कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक की निवाई को ही चुना और इसीलिए चर्चाएं तेज हैं। इसे एक बात तो साफ होती है कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट की सपोर्टर है। ऐसे कई मौके आए जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी के बेहद करीबी हैं। जब जब पायलट की नाराजगी देखने को मिली तब तब प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट का सपोर्ट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पायलट की नाराजगी इसका एक बड़ा उदाहरण है। पहली बार जब दिसंबर 2018 में विधानसभा में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी तब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खूब खींचतान हुई। दोनों नेता और उनके समर्थक अड़ गए थे। करीब 10 दिन के संग्राम के बाद हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर दिया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। और दूसरा सियासी टकराव जुलाई 2020 में आया था जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल मानेसर में जाकर बैठ गए थे। तब प्रियंका गांधी ने ही एक अहम भूमिका निभाई थी और ये मामला सुलझाया था। इसके बाद तीसरे सियासी संकट के समय पायलट का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए और इसमें भी प्रियंका की भूमिका ज्यादा नहीं रही। दिसंबर 2018 का पहला सियासी संकट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टाला था। सभी नेताओं से फीडबैक लेने और आगामी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत को ही सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर पहला सियासी टकराव समाप्त किया था। दूसरा सियासी टकराव कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने टाला था जब जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने साथी विधायकों के साथ मानेसर के होटल में चले गए थे। गांधी परिवार के अलावा किसी से बात करने को सचिन पायलट तैयार नहीं थे और उस वक्त प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी, उनकी नाराजगी को लेकर विस्तार से बात की, उनकी मांगों को सुनने के बाद हल करने का आश्वासन भी दिया। और इसी तरह राजस्थान सरकार का दूसरा सियासी संकट टल गया था। तीसरे सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे निकल गए। गांधी परिवार ने फिर से पायलट को शांत करवा दिया। इसके बाद इस साल भी जब पायलट ने इनडायरेक्टली अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की तो उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने खूब मेहनत की और इसमें भी प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर तो नहीं थी लेकिन तब भी उनकी एक बड़ी भूमिका थी। और अब सचिन पायलट के ही गढ़ से जनता को साधना, इससे साफ होता है कि प्रियंका गांधी किसी भी परिस्थिति में सचिन पायलट का साथ नहीं छोड़ती है। और अब देखना तो ये होगा कि इसका फायदा सचिन पायलट को कब मिलता है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।